6.5 क्लास 10 इसके एग्जांपल कवर करेंगे। अगर मैं एग्जांपल 10 की बात करूं, जो पहला ही एग्जांपल देखा जाए इसमें 6.5 में, आप लोगों ने ट्राई किया था तो देखते हैं आप लोग डाउट्स क्लियर करो कि सर जो भी डाउट होता है मैं डाउट मुझे बताओ। डायग्राम दिया गया तो सोचना ही नहीं है भाई, डायग्राम हम लिख लेंगे। ए सी बी दिस इज डी, कह रहे हैं ए सी बी 90 दिया गया, ठीक है, सी डी परपेंडिकुलर, बच्चों बच्चों को पता है क्योंकि साइन दिया, कह रहे हैं ये प्रूफ करो। टू प्रूफ बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए भाई बी डी अपॉन ए डी, तो देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। एक थ्योरम हम लोगों ने प्रूफ की थी अभी, क्या कि ये 90 दिया गया ए सी बी, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, क्वेश्चन में कह रहा है, और जब 90 डिग्री जिस पॉइंट पर है उससे अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते थे, थ्योरम ने हमको ऐसा बताया। अब कैसे लिखेंगे इसको, डायरेक्ट लिखने का देखो क्योंकि थ्योरम तो प्रूफ नहीं करनी है हमें यहाँ पे, तो हम इसे ऐसे करेंगे, ए इनमें से एक ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख लो, ए सी डी लिख लो, ए डी सी लिख लो, डी ए सी लिख लो, जैसा आप लिखना चाहो वैसा आप लिख सकते हैं। तो एक ट्रायंगल का नाम मैंने लिख दिया मान लो ए सी डी, सिमिलर ट्रायंगल। अब रुक जाओ यहीं पे, अब देखें कैसे, सारे बच्चे इस बात को ध्यान से समझेंगे। ये ए सी डी ट्रायंगल है, अब आपको अगर मैं प्रॉपर वे में बताऊं तो ये इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर कैसे होगा, एंगल ही एंगल कॉमन होगा दोनों में, तो यहाँ एंगल ही पहले आ रहा है, इधर एंगल ही पहले आएगा। अच्छा ए सी डी में एंगल कौन सा, एंगल 90 है डी, तो डी कहाँ रहा है, बीच में सबसे एंड में आ रहा है, और ए सी बी में कौन सा 90 है सी, तो सी यहाँ कहाँ पर आएगा, यही तो आएगा, तो बी बचा बीच में। क्लियर मानसी कि भैया एक ट्रायंगल का नाम लिख लिया और एक बड़े वाले का कैसे लिखा, ऐसे ही एक दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, कैसे भी आप नाम लिख सकते हैं कैसे भी। अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल एबीसी, तो हमने लोग भैया एबीसी ही लिख दिया बड़ा वाला, क्लियर है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, एबीसी में, एबीसी में 90 कौन था, सी 90 है, अब ध्यान से समझना यहाँ से, सी डी बी में और एबीसी में एंगल भी कॉमन है, इधर एंगल भी बीच में आ रहा है, इधर भी एंगल भी बीच में कहीं आएगा। अच्छा इसमें सी 90, इसमें डी 90 है, सी एंड में आ रहा है तो डी भी एंड में आएगा, बी का काम हो गया, डी का काम हो गया, अब क्या बचा होगा, सी बचा होगा, ठीक है, क्लियर है। ये आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि यार कि भाई ए ए ए सब दिखा देना, सिंपल चीज़ें। तो ये क्वेश्चन वन हो गई और ये क्वेश्चन टू हो गई, तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो भैया ये भी आपस में सिमिलर होंगे, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी डी, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ए सी अपॉन बी सी बराबर सी डी अपॉन बी डी बराबर ए डी अपॉन सी डी। अब देखो हमें लाना क्या, कुछ लाने का भी देख लेते हैं, यार ये बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, यहाँ से हमारा ये कुछ नहीं आ रहा है, देखो किसी का स्क्वायर क्या कहीं, आप देखो स्क्वायर बनना है क्या, ये ए सी है कहीं नहीं है, बी सी केवल सी डी का स्क्वायर बनना, सी डी का स्क्वायर बी डी इंटू ए डी, तो बी डी इंटू ए डी ये रहा और सी डी का स्क्वायर बन गया, तो मुझे नहीं लगता अभी तक तो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा था। अब देखिए जब ऐसे केस में हम अभी तक हम प्रॉपर वे में सॉल्व करते रहे, आंसर ये लाना, तो अब देखिए अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो क्या इनके साइड के रेशियो इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये होती रटने वाली बात कि हम लोग इसके लिख लें, मैंने क्या किया इसको दिखाया, इसको दिखाई, ये दोनों को इसका साइड का रेशियो लिया, अब आंसर नहीं आ रहा है, तो हमको ये पता है अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके भी साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लिखते चलिए सब और जहाँ से देखेंगे वहीं से आंसर मिल जाएगा। चलो अब देखिए बी सी का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ए सी का स्क्वायर भी आ रहा है, देखो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों का तो क्या ए सी का स्क्वायर नहीं आ जाएगा, तो कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं, लिखना लिखना तो आप लोग अपने हिसाब से देखते रहना, ए बी इंटू ए डी, यहाँ से देखो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, बी सी का स्क्वायर हो रहा है ना, बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू बी, ए बी इंटू बी डी। अब सुनो इसकी रिक्वायरमेंट हो ही नहीं रही है तो कोई जरूर नहीं, हमने लिख लिया तो हमने कोई गुनाह नहीं कर दिया, क्या पता क्वेश्चन में कुछ घूम कर आए इसकी रिक्वायरमेंट हो, तो अब इन दोनों का आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, देखो ये कह रहे हैं ठीक है, तो अगर इससे इक्वेशन ए देते हैं इसको इक्वेशन बी देते हैं, तो डिवाइड करो इक्वेशन ए अपॉन इक्वेशन बी, तो बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी इंटू बी डी
और ए बी इंटू ए डी। तो देखो ए बी से भी सही हो गया, ये हमारा बी डी अपॉन ए डी आ गया, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन कभी भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे हॉच पॉच लग रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर करो। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुई हमको कोई भी, तो नहीं हुई तो कोई भी, हमने लिख लिया तो कोई गलती नहीं हो गई, क्योंकि क्वेश्चन को समझाए। पता मन से कहाँ पर क्या, किसी बच्चे को प्लीज़ कि सर ये थोड़ा डाउट हुआ है, जब कभी 90 वाला राइट एंगल ट्रायंगल से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए तो यही थ्योरम लगती है, हमने प्रूफ भी किया, तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा इसमें। रीड कर लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं अ लैडर इज प्लेस अगेंस्ट अ बॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल। ये बॉल है भैया ए बी, ठीक है, एक लैडर है अगेंस्ट अ बॉल, मतलब इसके बॉल के टिकी हुई है इस तरीके से, और इसके फुट से दूरी कितनी, ये इसका फुट हो गया 2.5 मीटर एंड टॉप रीच अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ ऑफ द, ये लैडर है, इसकी लेंथ मान लो एक्स है, और ये कितना दिया गया, 6 दिया गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी, इसके मीनिंग समझ लो बस, इट टॉप्स रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, 6 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो भैया लेंथ ऑफ द एकदम ठीक है हमारा, तो ए भी निकाल देना जो भी आंसर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए 12 देखते हैं, 12 अच्छा क्वेश्चन है। ट्वेल्थ देखते हैं। इन द गिवन फिगर, भैया फिगर बनाओ, चलो डी बी ए सी, इन द गिवन फिगर ये इस पे परपेंडिकुलर, तो देखो ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। चलो अच्छा, अब देखो एक चीज़ आपको बता, जब कभी 90 डिग्री का मिले और स्क्वायर वगैरह मिले तो समझ लो पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं ना, सिंपल सा। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें ए बी डी की, ट्रायंगल ए बी डी की अगर बात करूं मैं, तो एक बात बताओ, क्या ए बी का स्क्वायर 90 के सामने वाला बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ये 90 और ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर हो जाएगा? देखो ए डी का स्क्वायर इसमें भी, ए डी का स्क्वायर इसमें, अगर माइनस करें तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन वन से इक्वेशन टू माइनस कर दो, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर माइनस, कायदे में आंसर तो अभी भी आ गया। अब जो बच्चे देख रहे हैं सर ये क्या, अरे कुछ नहीं यार, सी डी को इस तरफ लेकर आ जाओ, क्लियर है, हो गया ये भी, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट है, सिंपल क्वेश्चन। अब दिमाग में ये लो कि सर माइनस क्यों गया, भैया ए डी से ए डी कैंसिल हो जाता है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अब है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन 13-14 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये इनको देखेंगे सारे बच्चे, ये तो सिंपल सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। 13 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अपने तरीके से करेंगे, बुक का जो दिया हमें नहीं पता, हम अपने तरीके से करेंगे। पहले इसका डायग्राम बनाते बढ़िया सा, ये हो गया, ये हो गया बी एम ए 90 डिग्री, ये हो गया एल, और ये हो गया सी, ये 90 हो गया, ठीक है। अब देखिए बोला गया कि बी एल एंड सी एम आर मीडियन, देखो बी एल मीडियन है मतलब एल मिड पॉइंट है, ये इसके बराबर है, सी एम मिड पॉइंट है तो ये पोर्शन इसके बराबर, मतलब बी एम बराबर एम ए, ये आपको पता है इसमें दिया गया, तो क्या रहा है ये प्रूव करो। 4 बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी सी का स्क्वायर। देखिए अब देखो हमारा टारगेट क्या है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो अंडरस्टैंडिंग एक रखो कि जहाँ जहाँ राइट एंगल मिल रहा है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इसके अंदर तीन राइट एंगल हैं, देखो 1 90 2 93, तीन है, सोचना ही नहीं है, तीनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो एक एक करके। ट्रायंगल ए सी एम, भाई ए सी एम ये रहा, ए सी एम ये रहा नहीं, 90 के सामने वाला, तो सी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर
मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी डाउट होना चाहिए, क्लियर है। अच्छा अब देखिए, अब यार यहीं से एक लॉजिक लगाते हैं, सी एम कहीं लाना है, वहीं लाना है, बिल्कुल लाना है। एक बात सुनो, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ये है। अब देखो कहीं ए सी लाना है, नहीं लाना है, क्या लेके आना, बी एल लेके आना, बी एल तो ये रहा, सी एम लेके आना, और क्या लेके आना हमको, बी सी लेके आना, ठीक है। अब इस चीज़ को देखेंगे और थोड़े जुगाड़बाजी हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो इसे लिख दिया, देखते रहिए किसको लेगा। एक देखो ट्रायंगल बी ए एल, बी एल देखो, बी ए एल ठीक है, 90 के सामने वाला, तो बी एल का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, बी एल का इसका ए एल का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। तीसरा ट्रायंगल क्या, ए बी सी, ए बी सी 90 के सामने वाला, बी सी का स्क्वायर। अब यार देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे रुक जाओ और थोड़ा सा सोचो रहा कि बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर हमें को लाना, अगर मैं बी एल और सी एम को ऐड कर दूँ, देखो ना खुद समझो, बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर लेके आना है, तो उसी का आंसर देखते चलिए करते रहिए, इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दो तो क्या होगा, सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर, तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। अब एक चीज़ देखो, बी सी लाना, ये ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर और ए बी के स्क्वायर की जगह क्या बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये है देसी मेथड की, आंसर देखा अपने अकॉर्डिंग आता जाएगा, देखना बी सी का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर, अब समझना बस बात यहीं से थोड़ा बहुत अभी आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये बी सी स्क्वायर ए एम, ए एम को क्या आप ए बी बाई टू लिख सकते हो, ए एम को अगर ए बी का हाफ करें तो हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं ए बी बाई टू का होल स्क्वायर। ए एल, क्या ए एल को मैं ए सी बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तब देखिए सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर, तो ये बी सी का स्क्वायर क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर अपॉन फोर ए सी का स्क्वायर अपॉन फोर। अच्छा फोर यहाँ से क्या आएगा, एल सी एम आएगा, तो फोर एल सी एम इस तरफ आ जाएगा। अब बड़े बच्चों टेंथ क्लास में ये मत पूछना सर कैसे कर रहे हो, ये तो एल सी एम ले लिया मैंने, और जब एल सी एम लेंगे तो ये फोर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, फोर इस तरफ आ गया था। चलिए अगली लाइन में आंसर आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, और फोर बी सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर ऐड हो गया, क्या फाइव बी सी का स्क्वायर नहीं आ गया। और देखो डियर यही तो लाना था, देखिए अब हमको नहीं पता बुक में कैसे किया, क्यों, क्योंकि हम देसी तरीके से किया, अब पता नहीं इसकी रिक्वायरमेंट हो इसकी ना, हमने तीनों लिख लिए, जहां कहीं राइट एंगल ट्रायंगल मिले उन सबको लिख लो। फिर मैंने देखा एल एच एस में क्या बी एल और सी एम इसका लान, उनको ऐड कर दो, सोचना ही नहीं है इसमें कुछ भी, ऐसे क्वेश्चन सिंपल हो जाए, अदरवाइज बहुत टफ लगते हैं क्वेश्चन फिर ये। तो देखो कोई डाउट है तो बताओ, चलिए देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें देखो इन लोगों ने यार डायग्राम दे दिया, ये इन्होंने गलत किया कि बीच में जो लाइन ड्रॉ की है ना उस लाइन ड्रॉ का मीनिंग समझेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बीच में जो ये लाइन ड्रॉ की है, मुझे लगता है शायद ये ना आए, तो ये ए बी सी डी कह रहे हैं, ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड द, कहीं पर हमने सपोज यहाँ पर एक ओ पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, इनसाइड द रेक्टेंगल, कहीं पर भी ले सकते हैं, फिर ये प्रूफ करना है बस। इन्होंने जो कंस्ट्रक्ट करके डायग्राम दिखाई, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है बच्चों को नहीं दिखाना था ये, इससे क्या बच्चों के लॉजिक खराब हो जाते हैं, अब उनको पहले ही पता लग जाएगा यार कि ये, तो देखिए अच्छा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अच्छा देखिए हमको ये बता रेक्टेंगल है यार, तो ये 90 90, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये गिवन है। अब ओ पॉइंट दिया तो कह रहे हैं ओ बी का स्क्वायर, सुनो ध्यान से रहा, ओ बी का स्क्वायर मतलब ये रहा, ओ बी यही तो होगी, फिर कह रहे हैं ओ डी का स्क्वायर, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, ये हम क्यों मिला रहे हैं समझो बात को ध्यान से, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ओ बी का स्क्वायर। अब लेकिन सुनो जरा ध्यान से एक बार, ओ बी का स्क्वायर हम स्क्वायर तभी लगा पाएंगे जब कहीं ना कहीं राइट एंगल, जब कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल होगा या एक एंगल 90 होगा। अब यार ओ बी का स्क्वायर हम कैसे करें, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं इसमें कोई भी एंगल 90 नहीं है,
ठीक है, ये ना ये क्योंकि पूरा 90 है, ना ये 90 है ना ये 90, अब क्या करें। तो ऐसे केस में हमने क्या किया कि एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी जो इस पॉइंट से होती हुई जाएगी, ए बी सी डी, और जाएगी, सही बात है। अब लेकिन सुनो, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये भी तो 90 होगा। और अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसके सामने वाली साइड ओ बी का स्क्वायर नहीं हो गया। तो ये लॉजिक समझो कि जो ये लाइन ड्रॉ की उसके पीछे रीजन क्या है, ये नहीं है कि डायग्राम देखा और सीधे ड्रॉ कर दी, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ओ बी का स्क्वायर अब देखो बन जाएगा ओ बी का स्क्वायर, अब इसमें ये वाला 90 है तो ओ सी का स्क्वायर, ये वाला 90, अब ये 90 है तो ओ डी का स्क्वायर, बात समझ आ रही है, ये वाला 90 है तो ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बस इसके अंदर लॉजिक था, देखते हैं। ट्रायंगल ओ ई बी, इसके सामने वाला ये ओ बी का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर और ई ओ का स्क्वायर, क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। ट्रायंगल ओ सी एफ, 90 के सामने वाला ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर, ठीक है। ओ एफ डी, ये डी है ना, तो ओ एफ डी, तो 90 के सामने ओ डी का स्क्वायर, समझ आ रहा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा यार, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, अभी ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ ई ए, तो ये ओ ए का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, क्लियर है। अब सुनो, यहाँ तक तो अभी हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, अब यार क्या देखना, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर हो रहा है, मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, मैं इससे इसको ऐड करूँगा दबा के बस, ठीक है। क्यों ऐसा हमको दिख रहा है, हम देसी तरीके से हम करते हैं, हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड करो, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई का स्क्वायर प्लस ई ओ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर। अब सुनो, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर किसके इक्वल लेके आना है, ओ ए का स्क्वायर ये इसके इक्वल, और ओ सी का स्क्वायर इसके इक्वल लेकर आना है, सही बात है ना। ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर क्या आना चाहिए, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, तो ओ ए के स्क्वायर मतलब ये आ जाए, ओ सी का स्क्वायर मतलब ये आ जाए। अब लॉजिक लगाएंगे, देखते हैं भाई कैसे क्या लॉजिक लग रहा है। अगर मुझे ओ ए का स्क्वायर बनाना होगा यहाँ पे, तो ओ ई का स्क्वायर देखो कहीं पर है, ये रहा भाई, क्लियर है। और ए ई का स्क्वायर, ए ई कहीं पर है, देखो जरा ए ई कहीं पर है, ध्यान से देखो, ध्यान से, कहीं नहीं है। अब जुगाड़बाजी करेंगे, ए ई, ए ई हमारे पास ये है, क्लियर है। क्या ए ई की जगह डी एफ होगा, ये बताओ जरा, ए ई के बराबर डी एफ होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन इसके इक्वल है, अगर ये दो लाइन इक्वल है, मैंने ये एकदम लाइन सीधी ड्रॉ कर दी है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, अगर मैंने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन हमको क्या लाना है, ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई, तो ए ई का स्क्वायर लाना है, तो कहीं पे डी एफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये रहा डी एफ, ये रहा डी एफ, क्या हम डी एफ की जगह ए ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो ई ओ का स्क्वायर ये लिख दिया, और इस इसको पास पास लिख लिया, अब इन दो को पास पास लिख लो, तो देखिए ई ओ का स्क्वायर एफ डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ई का स्क्वायर। अब लेके आना ओ सी, ओ एफ का स्क्वायर तो है पहले से ही, और ओ एफ सी का स्क्वायर, बी ई है, बी ई की जगह एफ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस ये हमारा क्या बन गया, ओ ए का स्क्वायर बन गया, ये हमारा किसका बन गया, ओ सी। बस यहाँ पे आप बता देना, यहाँ पे आप बता दें क्या कि ए ई बराबर डी एफ के है और ई वी बराबर एफ सी के है, क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। ये लॉजिक, अच्छा ये बात समझ आ रही कि ये लाइन कैसे इसके पे इक्वल है, जब ये सुनो, जब ये मैंने आपसे कहा ये दो लेंथ आपस में इक्वल है एकदम, ये 4 सेंटीमीटर मान लो, ये भी 4 सेंटीमीटर, अब मैंने क्या किया एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी सीधी, तो क्या ये पोर्शन इसके बराबर नहीं होगा यार, अंडरस्टूड है ये, तो ये पोर्शन इसके बराबर होगा। जब ये लाइन, ये दो लाइन पैरेलल हैं आपस में, ये दो लाइन इक्वल भी हैं, ये लाइन सीधी गई है, तो ये पोर्शन बराबर ही तो होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। इन्होंने कैसे किया है, ऐसे ही किया कि इन्होंने और कोई तरीका लगाया, इन्होंने ये कहा बी पी बराबर सी क्यू, बी पी, हाँ वही बताया इन्होंने भी, तो वो तो अंडरस्टूड है, चलो लिख लीजिए।